सांसदों के साथ साथ पार्टी को लेकर भागने की कोशिश पशुपति पारस ने की थी, जिसमें बहुत हद तक सफल रहे थे। लोजपा पर दावा किया था, रातों रात ओम बिरला से मुलाकात करके उन्होंने दावा किया था कि पार्टी उनके तरफ आ गई है। उस दावे को भाजपा ने स्वीकार भी किया था और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया था, लेकिन चाचा भतीजे की पार्टी को भाजपा दो पार्टी मानकर चलती है जब कोई रिवॉर्ड देना होता है, लेकिन जब सहयोग लेना होता है तो दोनों को एक बताकर कभी चिराग को बुला लेती है बिहार उपचुनाव में, तो कभी कर्नाटक भेज देती है पशुपति पारस को। भाजपा की इसी सुनियोजित रणनीति के तहत, डिवाइड एंड रूल के तहत, दोनों पार्टियों को अपने लूप में रखकर दोनों से मनमानी करवाना चाहती है। शायद वो रिवॉर्ड कर देती है पशुपति पारस को, लेकिन उसे चाहिए तो चिराग पासवान। मैंने जो डिब्बा और बच्चा वाला कहानी बताई थी कि खिलौना लेकर आते हैं, बच्चे को देते हैं, डिब्बा खोलता है, खिलौना को साइड में रख देता है, डिब्बा से खेलने लगता है, यही हाल भाजपा, चिराग पासवान और पशुपति पारस का है। पशुपति पारस वो खिलौना है और चिराग पासवान वो डब्बा है, बच्चे को डब्बा ही चाहिए, करिएगा क्या। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 18 तारीख को इसी महीने एनडीए की घोषित बैठक है। घोषित बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में रहने वाले और एनडीए में संभावित आने वाले दलों को मिलाकर कुल 30 दलों को न्योता दिया गया है। इसमें जहां बिहार के कई ऐसे दल हैं जो वर्तमान में एनडीए की तरफ रुझान तो रखते हैं लेकिन एनडीए का हिस्सा नहीं है, ऐसे कई दल हैं। खास बात यह है कि इन दलों के साथ अब तक भाजपा का चुनावी समझौता, सीटों का अरेंजमेंट, शर्तों पर डिस्कशन, ये सब कुछ बाकी है। यानी भाजपा इन दलों को बुलाकर दो बातें सिद्ध करना चाहती है। एक, कि विपक्षी एकजुटता के सामने उसके पास, भाजपा के पास एक बड़ा कुनबा अपने सपोर्टर वर्ग का भी है, यानी एनडीए भी बड़ा है। दूसरा, उन दलों को अपने पाले में करके भाजपा एहसास करना चाहती है कि महागठबंधन जो है उसकी तरफ कोई दल जाना नहीं चाहता है, एक लहर बनाकर इस पर सवार होकर 24 के चुनाव को जीतना भी चाहती है। बिहार महागठबंधन में भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वजह से आपसी गठजोड़ भी कमजोर होता है और तालमेल भी गड़बड़ाता है, प्रयास किया जा रहा है कि उसको सुधार लिया जाए। लेकिन इस एनडीए गठबंधन में बनने से पहले ही कई समस्याएं और कई सवाल खड़े होते हैं। 18 तारीख की बैठक में पशुपति पारस, जीतन मांझी तो एनडीए का हिस्सा बनकर जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा ये किस हैसियत से जाएंगे? क्या ये एनडीए में आने वाले भी हैं? कालांतर में इन सभी दलों ने एनडीए के खिलाफ भी बयानबाजी की है, कई बार तो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री तक पे आरोप लगाए हैं। वही बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करें तो नीतीश कुमार को पीएम तक बना रहे थे, हालांकि बाद में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, जेपी नड्डा से हुई, लेकिन रास्ते उनके लिए अभी तक सुदृढ़ नहीं हुए एनडीए के। ये बातचीत के बाद ही होगा, ये सीटों के समझौते के बाद ही होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान जो कि एनडीए का एक हिस्सा कई जगहों पर बताए जाते हैं, उपचुनाव आता है भाजपा कहती है कि हमारे साथ है, जब भाजपा कमजोर पड़ती है तो कहती है कि चिराग पासवान से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, वो हमारे साथ एनडीए में है, लेकिन जब कुछ देना होता है, समझौता करना होता है तो अक्सर पशुपति पारस बाजी मार जाते हैं। चाचा भतीजे की पार्टी को भाजपा दो पार्टी मानकर चलती है जब कोई रिवॉर्ड देना होता है, लेकिन जब सहयोग लेना होता है तो दोनों को एक बताकर कभी चिराग को बुला लेती है बिहार उपचुनाव में, तो कभी कर्नाटक भेज देती है पशुपति पारस को। भाजपा की इसी सुनियोजित रणनीति के तहत, डिवाइड एंड रूल के तहत, दोनों पार्टियों को अपने लूप में रखकर दोनों से मनमानी करवाना चाहती है। हालांकि पशुपति पारस ने तो बिना शर्त समर्थन भाजपा के और एनडीए को दे दिया है, लेकिन चिराग पासवान ने कई शर्तें रख रखी हैं, उन शर्तों पर भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, तभी जाकर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ऑफिशियली बनेंगे। लेकिन उन्हें परहेज नहीं है कि भाजपा जब उन्हें बुलाए तो वो चले जाए। अब 18 तारीख को जा रहे हैं, तो इसी बीच खबर ये तेजी से आ गई कि पशुपति पारस की जगह उस मंत्रालय में इनकी एंट्री हो जाएगी। बिहार से कई मंत्रियों के फेरबदल के साथ साथ ये खबर आ रही है कि पशुपति पारस वाले मंत्रालय पर चिराग पासवान को भाजपा देने जा रही है। इतना ही नहीं, हाजीपुर की सीट भी पशुपति पारस के हाथ से निकली हुई ही मानी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का सिक्का बुलंद होता है।
अब चिराग का सिक्का बुलंद होता है तो आपको अच्छे से पता है कि सिक्का किसका कमज़ोर होगा। पहले तो घर में ही लड़ाई होगी, जब टेबल टॉक करने की बात आएगी तो चिराग जिन सीटों की डिमांड करेंगे उन्हीं सीटों पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी टिके हुए हैं। उल्टा चिराग की नज़रें हैं पशुपति पारस की सीटों पर, मंत्रिमंडल में वही चाहिए, सीट भी वही चाहिए, हाजीपुर वाली सीटें भी उतनी ही चाहिए जितना कि पशुपति पारस को मिल रहा है, और वही सीटें भी चाहिए। ये समस्या कहीं ना कहीं विकराल रूप लेता जा रहा है। 18 की बैठक एनडीए के लिए मजबूरी है, अपने कुनबे को बड़ा दिखाना एनडीए के लिए मजबूरी है, बिहार में वोट बैंक को अपने पाले में करके वोट बैंक की सुरक्षा करना ये एनडीए की मजबूरी है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसे लंबा नहीं खींच सकते हैं और इसी वजह से चिराग पासवान को जो वो मांग रहे हैं धीरे धीरे करके देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि यदि पशुपति पारस से वो मंत्रालय और हाजीपुर छीन लिया जाएगा तो पशुपति पारस क्या इस गठबंधन में बने रहेंगे? संभव नहीं है, पशुपति पारस को फैसला करना ही होगा। यदि पशुपति पारस को भाजपा की बात मंजूर है तो निश्चित तौर पर वो इस गठबंधन में टिके रहेंगे, लेकिन ये अपमान से कम नहीं होगा कि उनके सामने चिराग पासवान को भाजपा इतनी तवज्जो दे कि उनकी सीट भी काट दे और उनके कैबिनेट बर्थ को भी काट दे केंद्र में। ये पशुपति पारस के और उनके पार्टी के साथ अन्याय भी होगा। लेकिन अब इस तरफ भाजपा मुड़ चली है तो खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस भी बिहार में वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है पशुपति पारस की तरफ से दरवाज़ा टेम्पोरली नीतीश कुमार के लिए बंद जरूर किया गया था, लेकिन आपको याद होगा ये पार्टी जो बनी थी आरएलजेपी वो दरअसल एलजेपी से टूटकर ही बनी थी। सांसदों के साथ साथ पार्टी को लेकर भागने की कोशिश पशुपति पारस ने की थी जिसमें बहुत हद तक सफल रहे थे, लोजपा पर दावा किया था। रातोंरात ओम बिरला से मुलाकात करके उन्होंने दावा किया था कि पार्टी उनके तरफ आ गई है, उस दावे को भाजपा ने स्वीकार भी किया था और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया था। लेकिन ये सब तब हुआ था जब ललन सिंह ने पर्दे के पीछे, नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे चिराग पासवान के साथ एक बड़ा षड्यंत्र किया और उनकी पार्टी तोड़ी। पूरा ड्रामा दिल्ली में ऑर्केस्ट हुआ और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, उनसे चुनावी बदला लेने के लिए नीतीश कुमार के इशारों पर एलजेपी को तोड़ा गया था। यहां तक की खबर यह भी आई थी कि अपने कोटे की केंद्रीय मंत्री की सीट पर नीतीश कुमार ने पशुपति पारस को मंत्री बनवाया था ताकि वो बदला चिराग से पूरा हो सके। अब किस तरफ ईमानदारी होनी चाहिए पशुपति पारस की, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। कालांतर में नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए तो पशुपति पारस इस तरह फंस गए, तब उन्होंने भाजपा के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और इस शर्त रख दी कि मैं एक बिना शर्त के साथ रहूंगा भाजपा में। इससे चिराग पासवान का रास्ता काफ़ी कठिन हुआ, लेकिन कालांतर में भाजपा ने स्पष्ट किया कि उसे प्यार तो चिराग पासवान से ही है, उसे लगता है कि वोट बैंक चिराग पासवान के पास ही है, शायद वो रिवार्ड कर देती है पशुपति पारस को, लेकिन उसे चाहिए तो चिराग पासवान। मैंने जो डिब्बा और बच्चा वाला कहानी बताई थी कि खिलौना लेकर आते हैं, बच्चे को देते हैं, डिब्बा खोलता है, खिलौना को साइड में रख देता है, डिब्बा से खेलने लगता है, यही हाल भाजपा, चिराग पासवान और पशुपति पारस का है। पशुपति पारस वो खिलौना है और चिराग पासवान वो डब्बा है, बच्चे को डब्बा ही चाहिए, करिएगा क्या? यही परिस्थिति कहीं ना कहीं आज एनडीए के लिए सबसे बड़ा बिहार में प्रत्यक्ष प्रश्न बनी हुई है इस गठबंधन के अंतिम स्वरूप को बनाने में, और इसी वजह से पशुपति पारस के भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। खबर तो ये आ रही है कि जो जदयू कुछ दिनों पहले तक एक बड़ा ऑफर दे रही थी चिराग पासवान को कि आ जाइए अब महागठबंधन की तरफ, वो अब पशुपति पारस पर डोरे डालने की तैयारी में है। 18 तारीख के इस फैसले पर जदयू की गंभीर नज़र है और महागठबंधन में मांझी की जगह जो खाली हुई है एक दलित चेहरे की, उस जगह पर पशुपति पारस को फिट करने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि आपको पता होगा कि पशुपति पारस लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इन्हीं संभावनाओं पर तो बिहार की राजनीति रोज हिलोरे मारती है और जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि पूरी तरीके से सब कुछ पलट गया, फिर से जीरो से शुरू कीजिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके काम भारत लाइव आता है क्योंकि हम उतना मेहनत आपके लिए करके गेस्ट पेपर बना के दे देते हैं। अगली खबर जल्दी मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।